स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 5, द कोस्ट हिल रीजन एंड आइलैंड्स. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट अवर कोस्टल एरियाज. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड व्हाट इज अ कोस्ट. अ कोस्ट इज अ रीजन वेयर लैंड मीट्स द सी. कोस्ट कौन सा एरिया होता है जहाँ पे लैंड सी से मिलती है, मीट करती है, दैट इज कॉल्ड कोस्टल रीजन. द ब्यूटिफुल इंडियन कोस्ट लाइन स्ट्रेचेज अराउंड पेनिनसुलर इंडिया. जो हमारा इंडिया का जो बहुत ही खूबसूरत कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन एरियाज है, वो कहाँ तक फैला हुआ है? पेनिनसुलर एरिया तक. द इंडियन कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इंटू, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा कोस्टल प्लेन्स हैं, ये जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं टू पार्ट्स में, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. ठीक है, ये आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है और ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है आपके. द टोटल लेंथ ऑफ द इंडियाज कोस्ट लाइन इज अबाउट 7516 किलोमीटर. तो हमारी जो कोस्ट लाइन, यानी कोस्ट लाइन का मतलब है जो लैंड आपकी सी से कनेक्टेड है, ये जो हमारी जितनी भी लैंड सी से कनेक्टेड है ना, तो उसका एरिया है 7516 किलोमीटर. बोथ द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न कोस्ट लाइन मीट एट कन्याकुमारी. अब ये देखो हमारी जो ये ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट लाइन यहाँ पे आके मीट करती हैं, तो ये कौन सा एरिया है? कन्याकुमारी. ठीक है, द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, जिसको हमारी जो कन्याकुमारी हमारी सदर्न मोस्ट टिप है. मैनी सी साइड टाउन्स ऑन द टू कोस्ट लाइन्स आर पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस. और जो बहुत सारे सी साइड टाउन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी जो दोनों कोस्ट लाइन के जो सी साइड टाउन्स हैं, पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है कि बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, मतलब इंजॉय करने. द पोर्ट्स अलोंग द कोस्ट लाइन आर इम्पोर्टेंट फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. अब ये जो पोर्ट्स हैं, ये किस लिए इम्पोर्टेंट होती हैं? अब देखो, पोर्ट से हम जो गुड्स हैं उनको इम्पोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है जो, वो भी शिपिंग के थ्रू, एज वेल एज इनलैंड ट्रेड. तो मतलब इंटरनेशनल ट्रेड तो होता ही होता है, उसके अलावा इनलैंड ट्रेड भी होता है, हमारे देश के अंदर भी होता है ये सब. फिशिंग इज वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन अलॉन्ग द कोस्ट. और यहाँ के लोगों की ऑक्यूपेशन क्या है? तो यहाँ के लोगों की सबसे मेन ऑक्यूपेशन है फिशिंग, क्योंकि वहाँ पे जो आपको बहुत सारी, मतलब लार्ज अमाउंट में आपको यहाँ पे फिशेज अवेलेबल होती हैं, तो इस वजह से फिशिंग यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी. जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, यानी सकरी, बहुत चौड़ी नहीं है, वाइड नहीं है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी. वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में जो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, वो है हमारी वेस्टर्न कोस्ट. अब इसके रेंजिंग क्या है? फ्रॉम 50 to 100 किलोमीटर इन विथ. इसकी चौड़ाई है 50 से लेके 100 किलोमीटर. दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात इन द नॉर्थ, रनिंग थ्रू महाराष्ट्र, गोवा, डाउन टू कर्नाटका एंड केरला. और ये कहाँ तक फैले हुए हैं? नॉर्थ में गुजरात, और कहाँ से रन कर रहे हैं? महाराष्ट्र, गोवा, और नीचे की तरफ कर्नाटका और केरला. तो यहाँ यहाँ तक ये फैले हुए हैं, गुजरात, नॉर्थ में गुजरात, फिर महाराष्ट्र से रन करते हुए गोवा, फिर नीचे कर्नाटका और केरला की तरफ आते हैं. द वेस्टर्न कोस्ट मैम, जब हम यस मैम जब हमारे पेपर होंगे ना, जब उनका पीरियड के साथ होंगे, 9 o'clock से स्टार्ट होंगे वो. बेटा मैं आपको क्लास में बताऊंगी, अभी आप देखिए चैप्टर रीड कर लीजिए. ठीक है, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैव मैनी रिवर्स एंड बैक वाटर. जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, उसमें बहुत सारी रिवर और बैक वाटर है, बैकवाटर लेक्स हैं. द रिवर दैट ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट आर फास्ट फ्लोइंग. जो वेस्टर्न घाट में रिवर ओरिजिनेट होती है ना, बहुत ही फास्ट फ्लोइंग है, बहुत ज़्यादा तेज चलती हैं, मोस्टली नॉन पेरिनियल एंड इन सेंचुरीज. जो कि नॉन पेरिनियल रिवर है, मतलब जिनमें पूरे साल पानी नहीं रहता है, जो मतलब रिवर है, जिन रिवर में पूरे साल पानी रहता है वो पेरिनियल रिवर्स होती हैं, और जिनमें पूरे साल पानी नहीं रहता है वो नॉन पेरिनियल रिवर्स हैं, जो सेंचुरीज में एंड हो जाती है. द मेजर रिवर दैट फ्लो इन टू द सी आर तापी, नर्मदा, मंदोवी एंड ज्वारी. जो मेजर रिवर्स हैं
सी के अंदर जो जाके मिल जाती हैं वो है नर्मदा, तापी, मंदोवी और ज्वारी। द क्लाइमेट अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट इज हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। जो क्लाइमेट है यहाँ का पूरे, क्या कैसा क्लाइमेट है, हॉट एंड ह्यूमिड, गर्मी भी है और ह्यूमिडिटी भी है बहुत यहाँ पे। ड्यूरिंग द मानसून सीजन द एरिया रिसीव्स हैवी रेनफॉल। मानसून सीजन में क्या होता है, जो ये एरिया है बहुत सारी हैवी रेनफॉल होती है यहाँ पे, क्योंकि देखिए जो भी कोस्टल एरियाज है वहाँ से जितना भी वाटर इवेपोरेट होता है फिर क्लाउड्स में टर्न, जो क्लाउड्स के अंदर टर्न होता है, तो फिर वो उसी आसपास के एरिया में बहुत सारी बारिश कर देता है। द मेन क्रॉप्स दैट ग्रो इन दिस रीजन आर टबैको, शुगर केन, ग्राउंड नट्स, कोकोनट्स, राइस एंड कैजू नट्स। अब यहाँ पे देख लीजिए जो कोस्टल एरियाज के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, मेन क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, ग्राउंड नट्स हैं, कोकोनट्स हैं, जो भी क्रॉप्स जिनको ज़्यादा पानी चाहिए वो सारी यहाँ पे ग्रो होती हैं। कोकोनट्स, राइस, शुगर केन हैं, जैसे कैजू नट्स हैं और टबैको है, ये सारे यहाँ पे ग्रो होते हैं। द वेस्टर्न कॉस्ट लाइन इज डिवाइडेड इन टू द फॉलोइंग। अब वेस्टर्न कॉस्ट लाइन को किस में डिवाइड किया गया, द गुजरात कॉस्ट, द कोंकण कॉस्ट इन महाराष्ट्र, गोवा एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, द मालाबार कॉस्ट, गुजरात कॉस्ट, कोंकण कॉस्ट और मालाबार कॉस्ट। अब देखो सेंचुरीज के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि पार्टली एनक्लोज कोस्टल बॉडीज ऑफ वाटर इन विच रिवर वाटर मिक्सड विद सी वाटर, यानी कोस्टल बॉडीज ऑफ वाटर ऐसी हैं जो पार्टली एनक्लोज हैं, जो जहाँ पे जो रिवर वाटर है सी वाटर के साथ मिक्स होता है। नोटिस ऑन अ मैप ऑफ इंडिया हाउ द गुजरात कोस्ट इज द बॉर्डर बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड द गल्फ ऑफ कम्बक। अब यहाँ पे बता रखा है कि जो गुजरात कोस्ट है ये कितनी ब्रॉड है बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ कम्बक में। द कोंकण कोस्ट विच एक्सटेंड अप टू गोवा इज अन ईवन, रॉकी एंड रिलेटिवली नैरो। जो कोंकण कोस्ट है वो क्या है, जो कहाँ तक फैली है, गोवा तक फैली हुई है, जो अन ईवन है, एकदम इक्वल नहीं है, रॉकी है, पहाड़ है और नैरो है। लाइट हाउस इज लाइन द कोस्ट लाइन टू गाइड द शिप्स अलॉन्ग द रॉकी कोस्ट। अब यहाँ पे लाइट हाउसेज भी हैं ताकि, वो किस लिए हैं, कि टू गाइड द शिप अलॉन्ग द रॉकी कोस्ट, यानी जो कोस्टल एरियाज वहाँ पे कुछ रॉकी एरियाज हैं तो उन शिप्स को गाइड करने के लिए लाइट हाउसेज भी हैं, जो कि ताकि शिप्स हैं जो उन रॉकी कोस्ट लाइन के साथ हिट नहीं हो जाए। इट हैज़ रिच रिजर्व्स ऑफ नेचुरल ऑयल एंड गैस। यहाँ पे बहुत सारे रिजर्व्स हैं जिसमें आपका नेचुरल ऑयल है और गैसेस हैं। द बिगेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट इज मुंबई। जो सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है इसका कौन सा है, मुंबई। देयर आर मैनी लगूनस ऑन द मालाबार कोस्ट। बहुत सारे लगूनस हैं मालाबार कोस्ट पे। द लगूनस और द बैक वाटर ऑफ केरला आर एन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और जो लगूनस हैं या बैक वाटर हैं केरला के, जो इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी हैं। कोची इज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द मालाबार कोस्ट। और जो कोची है वो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है मालाबार कोस्ट की। द वेस्टर्न कोस्ट हैज सम ऑफ द बेस्ट बीचेस, नेमली बागा एंड कैलानगोएट बीचेस। अब वेस्टर्न कोस्ट में कुछ बेस्ट बीचेस हैं जो कि हैं बाला और कैलानगोएट इन गोवा, देवका बीच इन दमन एंड कपड़ बीच इन नियर कैलीकट एंड द बीचेज इन कन्याकुमारी। ये यहाँ के वेस्टर्न कोस्ट के कुछ बेस्ट बीचेज हैं, बागा, कैलंगेट, देवका, दमन, कपड़ और कैलीकट। अब हमने यहाँ पे, अभी हमने वेस्टर्न कोस्टल के बारे में पढ़ा था, अब हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज द एरिया बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो कौन सा एरिया, एरिया बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल। स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट टू वेस्ट बंगाल टू ओडिशा डाउन टू आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। जो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वेस्ट बंगाल से लेके ओडिशा तक और नीचे की तरफ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ब्रॉडर देन द वेस्टर्न प्लेन। अब इसमें मेन स्पेशलिटी है कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ब्रॉड है, चौड़े हैं, ज्यादा ज्यादा एरिया कवर करते हैं।
द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ द प्लेन्स लाइंग इन द अपर कोर्सेज ऑफ द रिवर. जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है ना इस कोस्ट का, इसमें मोस्टली प्लेन्स आते हैं जो कि रिवर्स के अपर कोर्स की तरफ रहते हैं, नॉन एज अ नॉर्दर्न सिरकार, जिनको नॉर्दर्न सिरकार बोला जाता है. और जो सदर्न पार्ट है, द सदर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट लाइन कंसिस्ट ऑफ द डेल्टास, ठीक है, ऑफ रिवर्स एंड इज नॉन एज द कोरमंडल कोस्ट. अब नॉर्दर्न पार्ट है उसको बोला जाता है नॉर्दर्न सिरकार, और जो उसका सदर्न पार्ट है उसको बोला जाता है कोरमंडल कोस्ट. और सदर्न पार्ट के अंदर क्या आ रहा है, डेल्टाज ऑफ रिवर. और यहाँ पे जो नॉर्दर्न पार्ट है इसमें क्या आ रहा है, प्लेन्स लाइंग इन द अपर कोर्सेज. तो ये फर्क है नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट में. अब यहाँ पे देखिए गल्फ क्या है, गल्फ बताया था आपको, अ नैरो इनलेट ऑफ सी वाटर सराउंडेड बाय लैंड, यानी सी वाटर का एक सकड़ा सा, मतलब नैरो सा प्लेस है जो कि सराउंडेड बाय लैंड होगा, लैंड से सराउंडेड है लेकिन बीच में से एकदम नैरो सा एरिया है. लगूंस, लगूंस को हम वैसे मेनली सॉल्ट वाटर लेक भी बोल सकते हैं. शैलो सॉल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय सैंड बार्स ऑन ए रॉकी एरिया, और ए रॉकी एरिया मतलब जो डीप नहीं होती हैं, शैलो लेक्स होती हैं जो कि सी से सेपरेट की हो जाती है बाय रॉकी एरिया, रॉकी एरिया के कारण. द ईस्टर्न कोस्ट इज वेरी फर्टाइल, देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर ग्रोइंग शुगर केन एंड राइस. अब जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है बहुत फर्टाइल है, यहाँ पे बहुत सारा पानी है क्रॉप्स और क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, जैसे कि शुगर केन और राइस. जूट कॉटन एंड कोकोनट आर ऑल्सो ग्रोन इन प्लेंटी, और जो जूट कॉटन और जो है जूट कॉटन और कोकोनट भी यहाँ पे बहुत काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है. विशाखापट्टनम एंड चेन्नई आर द लार्जेस्ट पोर्ट्स ऑन द ईस्ट कोस्ट. अब यहाँ की जो सबसे बड़ी पोर्ट है विशाखापट्टनम और चेन्नई. विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश हैज ए बिग शिप बिल्डिंग यार्ड. अब यहाँ पे देखिए विशाखापट्टनम में जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे बहुत बड़ा शिप बिल्डिंग यार्ड भी है, यहाँ पे शिप को बिल्ड किया जाता है. द बे ऑफ बंगाल इज रफर देन द अरेबियन सी एंड इज एक्सपीरियंसेस साइक्लोन फ्रॉम टाइम टू टाइम. जो बे ऑफ बंगाल है ना अरेबियन सी से रफर है, और यहाँ पे बहुत सारे टाइम टू टाइम साइक्लोन आते रहते हैं, तूफान आते रहते हैं एक तरह से. ओडिशा एंड इट्स नेबरिंग स्टेट्स वर हिट बाय साइक्लोन फिलिन ऑन 12 अक्टूबर 2013, और ओडिशा और उसके आसपास के एरिया पे भी एक साइक्लोन आया था जो कि 2013 में आया था, जो कि है फेलिन. द वेस्टर्न कोस्ट बाय कंपैरिजन इज मच कामर एंड डजंट एक्सपीरियंस रफ वेदर एज ऑफन. जो वेस्टर्न कोस्ट है ना वो कंपैरेटिवली ईस्टर्न कोस्ट के कामर है, वहाँ पे इतने ज़्यादा तूफान नहीं आते कंपैरेटिवली जो ईस्टर्न कोस्ट में है. बहुत सारे वहाँ पे साइक्लोन आते रहते हैं ईस्टर्न कोस्ट में, मतलब तूफान बहुत आते हैं ईस्ट कोस्ट में कंपैरेटिवली वेस्टर्न कोस्ट के. द ईस्टर्न कोस्ट इज हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर. अब जो ईस्टर्न कोस्ट है ना यहाँ पे गर्मी बहुत रहती है, पूरे लगभग साल भर हॉट एंड ह्यूमिड रहता है ये. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव्स लेस रेन देन द वेस्टर्न कोस्ट. अब जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है, मतलब ईस्टर्न कोस्ट का भी जो नॉर्थ वाला एरिया है वहाँ पे लेस रेन होती है कंपेरेटिवली वेस्टर्न कोस्ट के. However, the southern part of the eastern coast is the only place in the entire country which receive rainfall in winter as well. और यहाँ तक कि जो इसका southern part है एक ऐसा area है जहाँ पे सिर्फ, मतलब इंडिया के अंदर वही एक ऐसा area जहाँ winter में भी rainfall होता है. This explains the cool winter months on the eastern coast. और यहाँ पे क्या होता है, अगर विंटर में बारिश होती है तो इसका मतलब है कि ईस्टर्न कोस्ट पे कूल विंटर मंथ है, जो बहुत ठंड पड़ती है उन एरियाज में. द आइलैंड, अब आइलैंड व्हाट इज एन आइलैंड, अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड, ठीक है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा होगा वो होगा आइलैंड. एंड अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड इज कॉल्ड पेनिनसुलर. फर्क है आइलैंड और पेनिनसुलर में. An area of land surrounded by water on all the sides is called an island. देखिए बताया ना जो मैंने आपको कि ऐसी लैंड जो कि वाटर के साथ सारी साइड से सराउंडेड होगी उसको बोलेंगे आइलैंड. लक्षद्वीप एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर टू
ऑफ इंडियाज मेजर आइलैंड. लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड ऐसे हैं इंडिया के मेजर आइलैंड है. बोथ आइलैंड ग्रुप्स एंजॉय द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, और ये दोनों आइलैंड ग्रुप हैं यूनियन टेरिटरीज भी हैं हमारी. द टू आइलैंड्स आर फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस अट्रैक्टिंग टूरिस्ट फ्रॉम विद इन इंडिया एज वेल एज फ्रॉम ओवरसीज. ये जो दोनों आइलैंड है ना, हमारे इंडिया में भी बहुत सारे टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड, और ओवरसीज से भी बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं यहाँ पे बहुत अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पे आते हैं. लक्षद्वीप. लक्षद्वीप आइलैंड आर सिचुएटेड 200 किलोमीटर टू 300 किलोमीटर ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ द साउथ इंडियन स्टेट ऑफ केरला इन द अरेबियन सी. अब देखिए, जो हमारा साउथ इंडियन मतलब स्टेट है केरला अरेबियन सी की तरफ, उसमें जो है जो लक्षद्वीप आइलैंड है 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर दूर वेस्टर्न कोस्ट लाइन, मतलब 200 से लेकर 300 किलोमीटर दूर वेस्टर्न कोस्ट लाइन की तरफ, साउथ इंडियन स्टेट ऑफ केरला की तरफ ये है इन द अरेबियन सी. दे कंसिस्ट ऑफ 36 आइलैंड दैट ऑल टुगेदर कवर ए लैंड एरिया ऑफ अबाउट 32 स्क्वायर मीटर. अब यहाँ पे कितने आइलैंड है, 36 आइलैंड कंसिस्ट है यहाँ पे, मतलब वहाँ पे हैं, और कितना लैंड एरिया कवर करते हैं, अबाउट 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं. आउट ऑफ दीज ओनली 10 आर इनहैबिटेड, उनमें से सिर्फ 10 ही हैं जो इनहैबिटेड है, यानी जहाँ पे लोग रहते हैं, बाकियों पे नहीं है. द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज कावरती, कावरती उसकी कैपिटल है. लक्षद्वीप आइलैंड आर द ओनली कोरल रीफ आइलैंड इन इंडिया. ये ऐसे आइलैंड हैं जो कि केवल सिर्फ कोरल रीफ के आइलैंड है. द लगून सराउंडेड द आइलैंड आर नॉन फॉर देयर नेचुरल ब्यूटी. जो लगून्स इन आइलैंड के साथ सराउंडेड हैं वो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं. फिशरीज, शिप रिपेयरिंग एंड टूरिज्म आर द मेन इंडस्ट्रीज इन लक्षद्वीप. अब यहाँ की इंडस्ट्रीज देखिए, फिशरीज है, शिप रिपेयरिंग है या टूरिज्म, ये यहाँ पे मेन काम होता है. और यहाँ के फ्रूट्स, यहाँ पे क्रॉप्स कौन सी ग्रो होती हैं, जैक फ्रूट, ड्रम स्टिक, शुगर केन और राइस. जैक फ्रूट, ड्रम स्टिक, शुगर केन और राइस यहाँ पे ग्रो होते हैं. द 10 इनहैबिटेड आइलैंड्स आउट ऑफ द 36 इन द लक्षद्वीप आइलैंड आर कवरती. अब 10 देखिए, 10 जो इनहैबिटेड आइलैंड है जो आउट ऑफ द 36 हैं, उनमें से जो कौन कौन से हैं 10, उनके नेम बता रखे हैं, अगाती, एमिनी, कदमत, किल्तन, चेतलत, वित्रा, एंड्रॉट और कल्पनी एंड मिनिकॉय. ये 10 इनहैबिटेड आइलैंड है जहाँ पे लोग रहते हैं. नाउ लक्षद्वीप आइलैंड हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कंसिस्ट ऑफ 572 आइल्स लाइंग इन द बे ऑफ बंगाल. यानी इसमें कितने आइलैंड कंसिस्ट है, 572 आइलैंड हैं. दे आर लोकेटेड 1255 किलोमीटर फ्रॉम कोलकाता. अब ये कोलकाता से 1255 किलोमीटर दूर है. द टेरिटरी consist of two island groups, the Andaman Island in the northern part of the archipelago and the Nicobar Island in the southern part of group. ठीक है, अब यहाँ पे इस territory के अंदर two island groups हैं, northern part और southern part. अब northern part में है Andaman Island और southern part में है Nicobar Island. ठीक है, ये archipelago यानी group of island, island के groups होते हैं तो उसको बोला जाता है archipelago. A group of small island is called an archipelago. अब coral reef island, these are made up of hard deposit of dead corals. Corals are sea creatures. मतलब coral reef के island कौन से होते हैं, जब sea creatures मर जाते हैं तो उनके deposits वहाँ पे इकट्ठे होते रहते हैं, फिर वो hard, एकदम hard surface बन जाता है, तो उनको coral reef island बोला जाता है. India's volcanoes lie in the Andaman Island. The Barren Island is an active volcano that last erupted in February 2014. जो इंडिया के वॉल्केनो हैं वो भी अंडमान आइलैंड में हैं. जो बैरन आइलैंड है जो एक एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है, जो इरप्ट कब हुआ था, फरवरी 2014 में. द
नारकोंडम इज अ डोरमेंट वोल्केनो एंड देयर इज एन मड वोल्केनो एंड बराटंग. यहाँ पे और वोल्केनो के नाम देखिए, नारकोंडम और डोरमेंट वोल्केनो और बाराटंग, ये वोल्केनो के नेम है. यहाँ पे देखिए, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर एक्चुअली द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ अ सबमर्ज माउंटेन रेंज. जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ना, वो टॉप मोस्ट पार्ट है किसी सबमर्ज माउंटेन रेंज के. मतलब जैसे कोई माउंटेन किसी सी के अंदर जैसे सबमर्ज हो गई है, तो उसके ऊपर के जो पार्ट हैं वो आपको शो होंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल सिटी ऑफ द आइलैंड. इनकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर. द आइलैंड आर कन्वर्टेड विद लश ग्रीन फॉरेस्ट एंड ओनली अ फ्यू आर इनहेबिटेड. यहाँ पे बहुत सारे घने लश ग्रीन फॉरेस्ट हैं, घने जंगल हैं, और इनमें से कुछ ही हैं जो इनहेबिटेड हैं, मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं. ट्राइब स्टिल लिव ऑन सम ऑफ दीज आइलैंड. कुछ ट्राइबल पीपल भी यहाँ पे इन आइलैंड पे रहते हैं. अब यहाँ के पॉइंट देखिए, इंदिरा पॉइंट, इंडिया सदर्न मोस्ट लैंड पॉइंट इज सिचुएटेड इन द निकोबार आइलैंड. जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, इस जो आइलैंड है अंडमान निकोबार आइलैंड में सिचुएटेड है. अब यहाँ पे देखिए, जो थ्री कोस्ट बताएंगे कौन सी हैं, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट, नर्दन, जिसको हमने नर्दन सरकार भी बोला था अभी. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पोर्ट्स एंड सी साइड टाउन्स. क्या होती है इम्पोर्टेंस, क्या है, क्योंकि यहाँ पे शिप और लोड और अनलोड होते हैं, और बहुत सारा जो ट्रेड होता है यहाँ पे, इनलैंड ट्रेड भी होता है, और टूरिस्ट आते हैं बहुत सारे यहाँ पे, जो ओवरसीज अट्रैक्ट करती है टूरिस्ट को भी. व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोज इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन. कौन कौन सी क्रॉप्स, जिन क्रॉप्स को पानी चाहिए वो सारी यहाँ पे ग्रो होती हैं, जैसे कि राइस है, ग्राउंडनट्स हैं, शुगर केन है, कोकोनट हैं, तो ये सारी क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो होती हैं. अभी कुछ ट्रीज ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं. द इंडियन कोस्टल प्लेन आर डिवाइडेड इंटू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. यस, दो कोस्टल प्लेन्स हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. ट्रू है. द बिगेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट इज कोची. फॉल्स. द अंडमान आइलैंड आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द साउथ वाइल द निकोबार आइलैंड लाई टू द नॉर्थ. फॉल्स. द सदर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर एज वेल. जो सदर्न पार्ट है इस ईस्टर्न कोस्ट का, ये विंटर में रिसीव करता है. यस, विंटर में एक यही पार्ट है जहाँ पे विंटर में रेनफॉल होती है. बोथ द लक्षद्वीप एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर इंडियन स्टेट. फॉल्स. ये आपकी यूनियन टेरिटरीज है, इंडियन स्टेट नहीं है. द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया इज कन्याकुमारी. वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन इज फिशिंग. इंडिया सदर्न मोस्ट लैंड लैंड पॉइंट है जो निकोबार आइलैंड में है, वो कौन सा, इंदिरा पॉइंट है, और दूसरी तरफ वो है कन्याकुमारी था. और डैश लाइन इन द कोस्ट लाइन टू वार्न शिप रॉकी कोस्ट लाइन. अब शिप को वार्न करने के लिए रॉकी कोस्ट लाइन के लिए क्या, वहाँ पे रॉकी कोस्ट लाइन से वार्न करने के लिए उनको क्या क्या बनाए जाते हैं वहाँ पे, लाइट हाउसेस. ओके, चैप्टर क्लियर हो गया सबको? यस मैम.